ये संगम के बाजू में दर्शन किए थे। उत्तराखंड की इस सीरीज में ये दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन करेंगे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का। ये है ये रास्ता है माँ गंगा की ओर जाता हुआ जो संगम है यहाँ उसका। ये सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा दीवार वाले आगे जाते हुए। पिछली बार जब आए थे ऊपर रोड से दर्शन किए थे, आज तो नीचे जाके दर्शन करेंगे। ये जो देव प्रयाग है इसके चढ़ाई पे रास्ता दो, चलो। जय माँ गंगे हर। वाह, फिसलन तो कभी कभी है। यहाँ के जो निवासी हो गए उसके लिए तो ये चिड़िया इतनी कठिन नहीं है, हमारे लिए ये स्टेप बड़े बड़े लग रहे। सीधा दर्द घुटनों पे आता है। चलो 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 चलो, बस सीधा स्टेप है वो, संभल के। वाह, ये है देवप्रयाग का संगम घाट। वैसे तो यहाँ स्नान करना चाहिए। यहाँ से हम शुरू करेंगे। वाह, मेरा भोला है भंडारी। माँ गंगा का जो उफान है देवप्रयाग में देखने वाला है। यहाँ से आती है अलकनंदा और ये माँ भागीरथी, दोनों का संगम होता है, बन जाती है माँ गंगा। देखो आज ये अलकनंदा का पानी थोड़ा मटमैला है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से आते हुए माँ भागीरथी, और वो संस्कृत कॉलेज है। हम यहाँ जूते निकालेंगे, उसके बाद बाकी का बाद में आपसे इन नज़ारों का आपको भी दर्शन करवाएंगे पूरे पूरा। चलो अब चलते हैं, जूते निकाल दिए हमने। माँ गंगा का जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है वहाँ थोड़ा नमन करेंगे नज़दीक जाके। ये है अलकनंदा माँ, क्या ठंडा पानी है। आ जा अलकनंदा, ये अलकनंदा छे। ले, जय माँ गंगे। ये है अलकनंदा, माँ अलकनंदा की डुबकी। अब देखो यहाँ संगम होता है। जंजीर जंजीर जंजीर, माँ के दर्शन करेंगे नजदीक से आगे। अब जाएंगे वहाँ संगम होता है। आ जाओ भाई, बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा है। वाह, ये है माँ
अलकनंदा और भागीरथी का संगम। माँ भागीरथी का प्रसन्न रूप देखना चाहते हो तो कितनी तीव्रता से आ रहा है उसका वेग। हाँ, और यहाँ माँ अलकनंदा से मिलके कितना शांत हो जाती है। देखो कितनी शांत है अलकनंदा। ये बद्रीनाथ से आती है और हम जाएंगे वहाँ, लेकिन यहाँ दर्शन भी होते हैं भगवान के, माँ नर्मदे गंगे के। पिछली बार हम आए थे, ऊपर से दर्शन किए थे, रुके वहाँ, दर्शन हम वहाँ से करते हैं। देखो ऊपर से रोड आ रही, वहाँ से लोग गाड़ियाँ खड़ी हुई, वहाँ से दर्शन कर लेते हैं। देखो लोग खड़े हुए, पिछले साल हमने ये, वाह, इसका रुद्र स्वरूप। बारिश के दिनों में कहीं ऊपर घाट तक पानी था। यहाँ लोग आके एक डुबकी तो लगाते, लेकिन हमने तो सिर्फ शरण स्पर्श करवाए, माँ के शरण स्पर्श किए। भैया जी पहना हुआ स्पार्क है, स्पार्क शालिग्राम तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, विष्णु भगवान जी का साक्षात। पवित्र संगम का दर्शन किया हमने, काफी सारे परिवार के फोटो भी लिए। वहाँ कहीं ब्रिज भी बन रहा होगा अंडर, वाह, ऊपर से रास्ता इन खूबसूरत नज़ारों में। अगर आप बद्रीनाथ जाओ, रास्ते में ये देवप्रयाग आता है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अगर कहीं ऊपर से आपको यहाँ से वो कोई भी ड्राइवर बताए दर्शन करो, तो कोशिश करना टाइम निकालना, यहाँ नीचे आओ, एक माँ के दर्शन करो। और दर्शन नीचे आके करना चाहिए। शिला है, शिला राम जी के शरण पादुका स्थान में पर जूते, ये राम जी के शरण पादुका है, किसी का ध्यान भी नहीं रहता है। देखो ये, वाह, शरण पादुका यहाँ राम जी का है। वाह, देखिए यहाँ ये संगम के बाजू में ही उसके भी दर्शन करें, राम जी का शरण पादुका। उतरते वक्त तो आसानी से उतर गए थे, जाते वक्त महज 50 सीढ़ियां नहीं चढ़े हम। क्या है? चलो संगम का दर्शन करके वापस ऊपर। इन सारे हमने गाड़ी की थी, गाड़ी तैयार है, फिर जाएंगे इस भंडारी बंधु में। माँ के संगम के दर्शन हो गए। यहाँ से भी व्यू मिलेगा हमें, हम तो जा नीचे आके दर्शन के, गाड़ी वाले यहाँ से दर्शन करा देते हैं। वो संस्कृत कॉलेज सामने, फिर अपना गाड़ी तैयार है, सब आगे चलते हैं। फैजल का ऋषिकेश, चलो ड्राइवर भी साहब तैयार हो गए, चलो दर्शन तो हो गए। अलकनंदा और भागीरथी के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे धारी देवी के दर्शन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हर गंगे जय गंगे।